गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास VB.10 है, तो फॉर्म कंट्रोल्स क्लास लेक्चर अपन थर्ड देखेंगे इसका। तो पिछली क्लासेस में अपन ने कॉमन बॉक्स देखा था, आज अपने पास देखते हैं अपन लिस्ट बॉक्स। तो देखिए, लिस्ट बॉक्स और कॉमन बॉक्स लगभग सिमिलर होते हैं, दोनों एक जैसे वर्क करते हैं, लिस्ट बॉक्स और सिमिलर। ठीक है, बट लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, मल्टीपल आइटम्स होते हैं, वो आइटम एक जगह आपके शो करते हैं। जो आइटम्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, शो करते हैं। जबकि आपके पास कॉम्बो बॉक्स में आइटम आपके क्या करते हैं, एट ए टाइम एक ही आइटम आपका शो करते गुड हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, एक समय एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स ऐड करा सकते हैं और मल्टीपल आइटम्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो जो प्रॉपर्टी आपकी लिस्ट बॉक्स की होती है, वही प्रॉपर्टी आपकी इसमें, सॉरी, कॉमन बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है, लाइव सिलेक्शन, कैन सिलेक्ट, कॉलम विड्थ, कंटेनर कंट्रोल, क्रिएटेड विड्थ, विजुअल सिलेक्शन मोड और मल्टीपल, ये कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है। जैसे सिलेक्शन मोड, तीन टाइप का अपन सिलेक्शन मोड यूज करेंगे, मल्टी कॉलम, मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। बाकी अपन ये तो देखिए उसमें काम कैसे, उसमें भी मेथड आपको एड, रिमूव, क्लियर, कंटेंट, शो, शॉर्ट, ये सारे मेथड जो आपके कॉम्बो बॉक्स के, सेम मेथड आपके किसके बनेंगे, लिस्ट बॉक्स में। लिस्ट बॉक्स में भी आइटम को आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, डिजाइन टाइम पे और रन टाइम पे, दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। देखते हैं अपन लिस्ट बॉक्स। क्लियर? तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं शेयर और डॉट नेट को यहाँ से शेयर करना। क्लियर? तो यहाँ से अपन एक फॉर्म ऐड करा लेते हैं, सॉल्यूशन, राइट क्लिक, ऐड, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट में गए, प्रॉपर्टी में गए, गुड मॉर्निंग सर। इस पे देखिए मल्टीपल आइटम्स पे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने इसको खींचा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में, यहाँ पे जाने के बाद इसका हमने यहाँ से साइज को इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया। उसका टूल बॉक्स में आने के बाद अब हमने यहाँ जो कंट्रोल रखा वो कौन सा रखा है, लिस्ट बॉक्स का। अब इसमें आइटम्स जैसे ऐड कराने हैं, तो राइट क्लिक किया अपन, प्रॉपर्टी में आएंगे, हम एक बार सेम प्रॉपर्टीज में भी नहीं, कॉमन बॉक्स पे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी में कलेक्शन। अब यहाँ से हमने डाल दिया, मान लो DCA, DCA, MCA, MA, DCA, उसका तो मैं डाल दिया, MCOM, ये देखिए आइटम आ रहे हैं, तो रन कराएं इसको, तो इस तरीके से आइटम हमारे पास ले। अब इसको अगर आपको मल्टी कॉलम बनाना है, दो कॉलम में रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टी हमने कौन सी बताई, मल्टी कॉलम, इसको आप कर दीजिए टेबल। इसमें आ जाए मल्टी कॉलम, इसमें आ जाए मल्टी कॉलम, क्लियर। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो आइटम आपको मल्टी कॉलम में आ रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है मल्टी कॉलम सभी को, ये हमारा किस कॉलम में आ रहा है, मल्टी कॉलम। अब तो अपन चाहते हैं कि इसके, अब इसमें जो भी आइटम सिलेक्ट करें वो हमारा मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके कौन से इवेंट जाएंगे, इसका भी जो इवेंट हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिलेक्ट इंडेक्स चेंजिंग का। क्लियर? हमने यहाँ पे दिया मैसेज बॉक्स,
मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पर हमने दे दिया टू सिलेक्ट सिलेक्ट कोर्स एम परसेंट लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट लिस्ट, जो आइटम आपने सिलेक्ट किया वो आइटम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जैसे हमने देखे दिखा रहे हैं, जो भी आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं मिल रहा, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? अब देखिए इसको, अब हम रन टाइम पे वैल्यूज में ऐड कराते हैं, किस्टर रन टाइम पे इन आइटम्स को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हम इसको रन टाइम पे डालते हैं, ठीक है। फॉर्म के लोड इवेंट पे डालना, किसको डालना है? फॉर्म के लोड इवेंट, तो फॉर्म के लोड इवेंट पे डालने के क्या करेंगे, वही तरीका आपके पास, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम, आइटम्स कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऐड, यहां पे जैसे डालते हमने पीसी लिस्ट बॉक्स डॉट डॉट आइटम्स डॉट ऐड, हमने यहाँ पे डाल दिए पीसी। तो आपने देखा होगा मुझे ये चीज बार बार टाइप करनी पड़ रही है, इतनी टाइप बार बार चीज करनी पड़ रही है आइटम को ऐड कराने के लिए, जैसे हम आइटम ऐड भी कराएंगे हमसे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, देखिए ये देखिए आइटम शो हो रहा है, पर आपने देखा होगा कि हमको ये चीज बार बार टाइप करनी पड़ रही है। तो हमने आपको बताया जो चीज हमें बार बार टाइप करनी होती है उसको हमें किसके साथ यूज करते हैं, बिट के साथ। तो बिट लिस्ट बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स, ये मैं बार बार टाइप करना पड़ता है, इसको हमने यहाँ ऐड डीसीए, ऐड डीसीए, ऐड पीजीडीसीए, ऐड एमसीए, इस तरह कोई दिक्कत है ना, बताइए आप, हो जाएगा, बताएं। अब देखिए इसमें से हम चाहते हैं एक साथ मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कितने मल्टीपल आइटम्स, अब पहले वो कोड बता देते हैं, ऐड हमें क्या एम है, इस तरह से। अब अपन एक बटन रखते हैं यहाँ पे, अब इसका ये वाला कोड कमेंट में डालना, ठीक है। एक बटन रखते हैं अपन, बटन नाम देते हैं शो, क्या नाम है, शो, ठीक है। कौन कौन से आइटम पढ़ने यहाँ पे सिलेक्ट किए, मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करते, एक आइटम तो निकाल लेते हैं, अब मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, यहां से देखिएगा आप, एक लेवल लेते हैं अपन, क्या लेते हैं लेवल, राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी, क्लास में हो यार, हाँ ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ से ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ऑटो साइज जो प्रॉपर्टी है इसकी फॉल्स कर दिया, ठीक।
और इसको अपन लेते हैं, इसको यही रखते हैं और इसका यहाँ से हमने इसको, ठीक है, बैक कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, फोर कलर्स का हमने चेंज कर दिया है, साइज बोल्ड, ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं, इसमें जो भी आइटम सिलेक्ट करें वो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करें, सब इसको रन कराएं, और हम इसको चाहते हैं कि जैसे हमने पीजीडी से सिलेक्ट किया और बीसी सिलेक्ट किया, अभी देखिए एक ही सिलेक्ट हो रहा है, पर हमें मल्टीपल सिलेक्ट करके शो बटन पर क्लिक करें, यहाँ शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये प्रोग्राम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अपन को यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आपको मिलेगी मल्टी सिलेक्शन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, मल्टी सिलेक्शन प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, आपको मिलेगी मल्टी सिलेक्शन सिलेक्शन मोड। अभी सिलेक्शन मोड में आपके पास क्या वन है, अगर आपने यहाँ पे कर दिया मल्टी सिंपल तो आपका क्या होगा, मल्टी सिलेक्शन होने लगेगा, पर एरो की वगैरह शिफ्ट वगैरह काम नहीं करेगा, तो आप चाहते हो मल्टी एक्सटेंडेड, इन सारी की काम करे, कंट्रोल के साथ भी काम करे, शिफ्ट के साथ भी काम करे, तो आप यहाँ मल्टी सिलेक्शन ले, क्लियर। तो आप यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, जब हम मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करवाएंगे लिस्ट बॉक्स से तो बाय डिफॉल्ट यहाँ कौन सा मिलेगा, वन, अगर हमें चाहिए तो हमने यहाँ से लिया मल्टी एक्सटेंड, क्लियर। अगर आप मल्टी एक्सटेंडेड कर देंगे तो शिफ्ट भी काम करेगी, कंट्रोल भी काम करेगा, एरो काम करेगा, और इसके साथ सिंपल आपका सिलेक्शन तो होगा, जैसे हमने मान लिया मल्टी सिंपल किया, अभी देखिए मल्टी सिंपल किया हमने, तो देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है ऐसे, और अगर हम चाहते हैं कि ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं जैसे एरो की काम करे, एरो की काम नहीं कर रही, तो एरो की काम कराने के लिए हम इसमें देखिए अब किसका करेंगे, मल्टी एक्सटेंडेड, यानी सारी कीज आपकी काम कर। अब आप इसको रन कराएंगे, अगर आप इसको रन कराएंगे तो देखिए एरो की भी आपकी वर्क, एक साथ मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसकी जो मल्टीपल सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देंगे, मल्टी एक्सटेंडेड। अब अपन को क्या चाहिए कि जो आपने सिलेक्ट किया वो सारी चीजें आपको चाहिए, तो अपने आप एक लूप चलेंगे, टेम टेम क्या करती हूँ, टेम, क्लियर। आई एज इंटीजर फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो तो कहां तक चलाना, जितने हमारे पास लिस्ट बॉक्स में आइटम, तो हमें आ जाते लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम डॉट आइटम्स डॉट काउंट माइनस वन, क्या कर दिया काउंट माइनस वन, आपने क्या कर दिया काउंट माइनस वन, क्लियर, काउंट माइनस वन। अब हम चाहते क्या कि जो जो आइटम हमने सिलेक्ट किए, तो कंडीशन लगाएंगे लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड डॉट सिलेक्टेड, गेट सिलेक्टेड, इसके अंदर पास कर दिया अपन ने आई, देन क्लियर, वो हमने क्या किया इसमें लिस्ट कराई, लेबल वन डॉट टेक्स्ट एम परसेंट इक्वल टू इक्वल टू, हमने क्या कर दिया लिस्ट बॉक्स आइटम्स बॉक्स आइटम्स डॉट एड उसके बाद देखिए बंद कराते हैं,
एक मिनट थोड़ा सा पेमेंट, ठीक है, ऐसे भी करा सकते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं लिस्ट बॉक्स लेवल लेवल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम थोड़ा सा कुछ इश्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो देखते हैं थोड़ा सा लिस्ट बॉक्स जी बॉक्स, इसको पहले देखते हैं, पहले अपन और इसके मैसेज देख लेते हैं, फिर इसको अपन देखते हैं इसमें इस कोड में कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं। तो अपन यहाँ पे ऐड क्लियर शॉर्ट Add gradient add kick gradient remove gradient remove यहाँ पे कर दिया वॉइस आ रही बेटा कि नहीं? यस सर आ रही सर यस सर आ रही शॉर्ट शॉर्ट अब इसमें आइटम जोड़ना है, तो पहले शॉर्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, तो लिस्ट बॉक्स का लिस्ट बॉक्स वन डॉट शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, लिस्ट बॉक्स क्लियर करना तो लिस्ट बॉक्स वन आइटम स्टार्ट क्लियर, आइटम रिमूव करना लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम डॉट रिमूव, यहाँ पे मेथड इसको पास करते हैं लिस्ट बॉक्स वन डॉट डॉट सिलेक्टेड selected item ठीक, selected item dot list clear। अब आइटम को ऐड कराना, ऐड कराने के लिए यूज करें लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, यहां पर देंगे लिस्ट बॉक्स, अब यहाँ पे देखिए इनपुट बॉक्स ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, कितने आइटम हमारे पास आ रहे हैं, जैसे हमने इसमें से पीजी से सिलेक्ट किया और रिमूव कर दिया, देखिए रिमूव हो गया, क्लियर किया सारे आइटम क्लियर हो गए, ऐड किया
सर ने डाला बी ए MCA, फिर हमने डाला PGDCA, फिर हमने डाला BCom, अब देखिए हमने यहाँ से सारे आइटम तो इस तरीके से देखिए मेथड हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्लियर ना? इस तरीके के हमारे मेथड यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हो जाएगा ये? किसी कोई दिक्कत बताए? नो सर, हो जाए पक्का ना सर? जैसे हाँ बता बेटा सर, जैसे अपना बीसीए है सर, जो सर जैसे बीसीए है उसमें जब हम क्लिक करते उसका सर तुरंत कर्सर रखते हैं जैसे बीसीए में, तो उसके सेमेस्टर शो होने लगे, तो ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, कोडिंग करनी पड़ेगी, क्यों नहीं होगा? हमने बताया था माउस ऊपर जाए सेमेस्टर से ऊपर सब कुछ हो जाएगा। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हम सिलेक्ट करते थे सारे क्या आ जाते, तो जैसे आप चाहते कि जैसे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे, तो हमारे उसके सेमेस्टर यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाए। यस सर, ये लेवल में आ जाता था। बड़े आराम से आ जाएंगे। देखिए कोडिंग करके बता देता हूँ, ठीक है? इसके सिलेक्टेड नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए यहाँ पर देखिए, इफ list box one dot text equal to क्या bc, ठीक है? एक selected item item equal to क्या हो bc, then क्या हो जाए label one dot text equal to, इसमें ampersand लगाते हैं, ampersand क्या लिख किया जाए यहाँ पे, ठीक है? फिर आपने एम परसेंट डीवी क्या कर दी, डीवी सी आर, ठीक है? इसी तरह इस तरह आप कितने सेमेस्टर के लिए करने कोडिंग कर लोगे ना, मैं एक की बता दे रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपके सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर सिक्स, क्लियर? इससे पहले हम क्या कर देंगे, लेबल डॉट टेक्स्ट। अब आप देखिए, आप रन कराइए आप इसको, ठीक है? इसकी दिख रही है आपको? आ गया, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। और जब ये बीसी सिलेक्ट करोगे तो अभी कुछ नहीं, कि मेरे लिए हमने कोडिंग अभी आपकी की नहीं, और जैसे बीसी क्लिक करेंगे तो आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल मैं आपको बताया है, ये जो कंट्रोल है ये कहलाता है हमारा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, क्लियर? चलिए कल हम आगे इसके बताएंगे चेक बॉक्स और रिव्यू बॉक्स। सर डेली क्लास लगेंगी? अभी टाइम कर बेटा, आ जाए फिर बताए कैसे लगेगी, ठीक है? ओके सर, यस सर। और बताइए किसी कुछ क्वेश्चन पूछना हो कुछ? चलिए ओके।